बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दी अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अफसर के ज़रिए पासपोर्ट की नकल मामलात ना होने पर क्या किया जा सकता है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर की जाएंगी। ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि सऊदी अरब में सफरी पाबंदियों के खात्मे के बाद लोगों की बड़ी तादाद सफ़र करना चाहती है। इस हवाले से लोग सऊदी अरब महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाबात से मुख्तलिफ सवाल भी पूछ रहे हैं कि किस तरह से ये अमल किया जा सकता है। इसी बारे में मैं आप लोगों को आज आगाह करना चाहती हूँ कि गैर मुल्कियों के काम और पासपोर्ट की तफसीलत जवाबात के सिस्टम में फीड की जाती हैं। काम या एग्जिटरी एंट्री और फाइनल एग्जिटरी एंट्री वीजे की इस पासपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। पासपोर्ट की तजदीद के फौरी बाद ये लाजमी है कि नए तजदीद शुदा पासपोर्ट की मालूमात को जवाबात के सिस्टम में फीड किया जाए। पासपोर्ट की नकल मालूमात के लिए मखसूस फॉर्म पुर करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि जवाबात की वेबसाइट पर भी दस्तियाब होता है। कानून के मुताबिक ममलिकत में मुकीम कारकुन अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात अपने स्पॉन्सर के ज़रिए कराएंगे, जबकि गैर मुल्की कारकुन अपने अहल खाना या ज़ेर किफ़ालत अफराद के पासपोर्ट की नकल मालूमात खुद कराने के मजाज होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। और अगर आप हमारी फेसबुक पेज पर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को मस्ट फॉलो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफेल छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ राबता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।